संसद में मणिपुर हिंसा मुद्दे पर जारी गतिरोध के बीच विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का किया फैसला। करगिल विजय दिवस के अवसर पर आज देश सैनिकों की शहादत को याद कर रहा है। लद्दाख के द्रास में रक्षा मंत्री ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ पर रायपुर के एनआईटी में लक्ष्य एवं उपलब्धियां विषय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। और केंद्र सरकार द्वारा संचालित उजाला योजना छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिला कोरबा के लोगों के लिए भी वरदान साबित हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। संसद में मणिपुर हिंसा मुद्दे पर जारी गतिरोध के बीच विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। कांग्रेस के सदस्य गौरव गोगोई और बीआरएस के सदस्य नमा नागेश्वर राव ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी में लोगों का विश्वास है। संसद से बाहर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि विपक्षी दल संसद के अंतिम कार्यकाल में अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं और जनता उनको सबक सिखाएगी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सरकार अविश्वास प्रस्ताव सहित किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार मणिपुर मुद्दे पर भी चर्चा के लिए तैयार है। आज करगिल विजय दिवस है। इस अवसर पर देश सैनिकों के बलिदान को याद कर रहा है। आज ही के दिन सेना ने 1999 में 60 दिनों के युद्ध के बाद करगिल में पाकिस्तानी सेना पर विजय हासिल की थी। इस अवसर पर आज लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख, सेना के शीर्ष कमांडर और लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने द्रास में करगिल विजय दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने करगिल युद्ध के दौरान देश के लिए शहीद होने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। दुनिया को यह संदेश दिया कि जब बात हमारे राष्ट्रीय हितों की आएगी तो हमारी सेना किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। हम आज भी अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, सामने चाहे कोई भी हो। साथियों, जनता को इस बात का पूरा भरोसा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह भारत सरकार अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार का समझौता किसी भी सूरत में नहीं करेगी। यही इच्छा शक्ति और राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान की भावना भारतीय सेनाओं को बाकी लोगों से अलग करती है। 26 जुलाई 1999 को युद्ध जीतने के बाद भी हमारी सेनाओं ने अगर यलोसी पार नहीं किया तो वह इसलिए कि हम शांति प्रिय हैं, भारतीय मूल्यों के प्रति हमारा पूरा विश्वास है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। उस समय अगर हमने यलोसी पार नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं था कि हम यलोसी नहीं पार कर सकते थे। हम यलोसी पार कर सकते थे और हम यलोसी पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में यलोसी हम पार करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करगिल विजय दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और उनके असाधारण साहस और विजय को स्वीकार करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। एक संदेश में उन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को याद किया और कहा कि उनकी वीर गाथा भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस के अवसर पर देश के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में सैनिकों की वीर गाथा की सराहना की और उन्हें राष्ट्र के प्रेरणा के रूप में स्वीकार किया। प्रधानमंत्री ने सैनिकों को नमन करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की।
छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी इन दिनों विधानसभा स्तरीय जन आक्रोश रैली निकालकर प्रदेश सरकार को घेरने में लगी हुई है। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी ने राजनांदगांव में जन आक्रोश रैली निकाली। इस रैली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजनांदगांव विधायक डॉ. रमन सिंह शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। रैली के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभा में प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट करते हुए घेराव किया जा रहा है। जिले भर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं और आज ये विधानसभा का प्रदर्शन है। राजनांदगांव विधानसभा के तीनों मंडल के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और महिला मोर्चा, युवा मोर्चा की टीम इस पर लगी रही और ये आक्रोश है भूपेश बघेल के नीतियों का, उनके लूट का, उनके भ्रष्टाचार का। अवैध घोटालों से भरी हुई सरकार, 2000 करोड़ से ज़्यादा के शराब घोटाला करने वाले, 500 करोड़ से ज़्यादा के कोयला घोटाला करने वाले ये सरकार, इसके साथ ही साथ चावल में PDS में 600 करोड़ रुपया का PDS सिस्टम से चावल खाने वाली सरकार, प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना में 5000 करोड़ का घोटाला करने वाली सरकार, विकास को अवरुद्ध करने वाली सरकार, गरीबों की हक और रोटी छीनने वाली सरकार, जिस प्रकार के हालात हैं राजनांदगांव में, विकास ठप हो गया है। जन आक्रोश रैली के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए वादा खिलाफी और घोटालों का आरोप लगाया है। वर्ष 2020 में शुरू हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ पर कल रायपुर के NIT में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम लक्ष्य एवं उपलब्धियां विषय पर आधारित थी। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि यह शिक्षा नीति एक संपूर्ण और समावेशी शिक्षा नीति है, जिसे एक छात्र की स्कूल शिक्षा पूरी करने के लिए 4 चरणों में बांटा गया है। इस नीति को लेकर विभिन्न शिक्षण संस्थानों ने पिछले 3 सालों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर जागरूकता पैदा करने और इसे लागू करने में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाई है। इनमें NIT, IIM, केंद्रीय विद्यालय और क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता निदेशालय शामिल हैं। निदेशालय के उप निदेशक रजनीश कुमार झा ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रमों में इतिहास के अलावा अन्य विषयों में भी कई बदलाव किए गए हैं, साथ ही स्किल डेवलपमेंट को लेकर सभी अवधारणाओं को भी शामिल किया गया है। भारत सरकार कौशल विकास मंत्रालय ये नोडल मिनिस्ट्री है, ऐसे तो स्किल डेवलपमेंट का काम हर एक मंत्रालय करता है, तो सारे मंत्रालय का कन्वर्जेंस कैसे हो स्किल डेवलपमेंट के एरिना में, प्लेटफॉर्म पे। जहाँ तक नई शिक्षा नीति का सवाल है, तो हमारा मंत्रालय भी ITI क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम ITI चलाने के लिए ITI की मान्यता, ITI की का कोर्स करिकुलम वगैरह डिजाइन करती है। तो नई शिक्षा नीति की सारी अवधारणाओं को कैसे अपने क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम में समाहित किया जाए, इस क्षेत्र में हमारे मंत्रालय ने सारा कार्य किया है और आगे ये सतत प्रक्रिया हम करते भी रहेंगे। इस शिक्षा नीति में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना की परिकल्पना की गई है, जो देश में उच्च शिक्षा का लाइट बट टाइट विनियमन करेगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन के उपायुक्त विनोद कुमार ने बताया कि इस नीति के तहत सभी स्कूलों में पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है और डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी काफी मदद मिल रही है। एजुकेशन पॉलिसी को लेकर काफ़ी सारी चीज़ें करी गई हैं, जैसे जो एज अलाइनमेंट है NEP के अनुसार से कर दिया गया है, क्लास 1 से एडमिशंस धीरे धीरे वालवाटिका का भी हमने स्टार्ट कर दिया है, जो एक उसकी रिक्वायरमेंट थी। विद्यांजलि पोर्टल के तहत हमने सभी स्कूलों में को उसको इनरोल किया है, समाज का योगदान हमें उसके थ्रू मिल रहा है। जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें केंद्रीय विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है और हम उसको उन चीज़ों को अपने क्लासेस में यूज़ कर रहे हैं। स्मार्ट क्लासरूम बहुत सारे बनाए जा चुके हैं, क्लासेस की लाइब्रेरी, लैब्स, इन सबको और इक्विप किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 17 स्कूल PM3 स्कूल एक स्कीम में भी आ गए हैं, जिसमें एक एडिशनल हेल्प हमें मिलेगी कि अपने संसाधनों को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है,
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि इस योजना के तहत इंजीनियरिंग शाखाओं के करीब 600 छात्रों को मशीन लर्निंग, वेब टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, डिजाइन थिंकिंग और उत्पाद नवाचार आदि विषयों का अध्ययन कराया जा रहा है और अपनी डिग्री में आवश्यक रोजगार उन्मुखी कौशल का समावेश किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित उजाला योजना आज देश भर के साथ ही छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिला कोरबा के लोगों के लिए भी वरदान साबित हो रही है। इसी के तहत बिजली की खपत को कम करने के साथ ही बिजली बिल में कमी लाने के लिए केंद्र सरकार की उजाला योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीपीएल और एपीएल परिवारों को एलईडी बल्ब का वितरण किया गया। विद्युत वितरण विभाग के कार्यपालन अभियंता अनुपम सरकार ने बताया कि केंद्र सरकार की उजाला योजना के तहत कोरबा जिला में 45,000 के करीब एपीएल और बीपीएल उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब, T5 ट्यूबलाइट सहित पंखे का वितरण किया गया था। इसके वितरण के बाद उपभोक्ताओं को करीब 1.25 लाख यूनिट बिजली की बचत हुई है। सरकार द्वारा उजाला योजना के तहत हमारे विभाग से एलईडी बल्ब जारी किया गया था, जो कि एपीएल और बीपीएल उपभोक्ता को दिया गया था, जिसमें एलईडी बल्ब, पंखा एवं टी सीरीज के T5 ट्यूबलाइट दिया गया था। और इसके अंतर्गत पहले क्या बल्ब जो है लोगों के घर में 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट का बल्ब होता था। हमारे द्वारा जब ये बल्ब वितरित किया गया वो केवल मात्र 9 वाट का था, जिससे बिजली की जो खपत है काफ़ी कम हो गया। और ये जो हमारा लगभग जो वितरण हुआ था 2016 नवंबर तक हमने कंप्लीट पूरे कोरबा क्षेत्र में वितरित कर दिया था, जिससे लगभग 40,000 से 45,000 लोगों को इसका लाभान्वित हुए थे। और कम से कम इसमें जो हमारा जो टोटल जो यूनिट्स है करीब करीब 1.25 लाख यूनिट का बेनिफिट हुआ था, जो कि उपभोक्ता का बिजली बिल जो पहले बहुत ज़्यादा आता था उसको लगाने के बाद काफी कम हुआ है, इससे काफी लोगों को लाभान्वित हुआ। केंद्र सरकार द्वारा उजाला योजना के क्रियान्वयन का ही असर है कि आज आकांक्षी जिला कोरबा में लोग एलईडी बल्ब के साथ ही स्टार रैंकिंग विद्युत उपकरणों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनके घरों में बिजली की खपत कम होने के कारण बिजली के बिल में 25 से 30% कमी आई है। सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा जो उजाला योजना के तहत बल्ब का जो एलईडी बल्ब जो दिया गया है घर घर में, और पंखा का भी जो मार्केट में जो दिया जा रहा था उसमें क्या है कि बिजली का खपत उसमें कम है, इसके कारण जो है बिजली के बिल में आम जनता को इसमें काफ़ी राहत है। उसके बाद में जो केंद्र सरकार योजना निकाले उसके लिए मैं केंद्र सरकार ही बहुत धन्यवाद देता हूँ, आम पब्लिक को बहुत ही राहत है। जो स्टार वाला जो निकाले हैं बल्ब, जो पंखा वगैरह, वो बहुत अच्छा है कि उसमें बिजली का खपत कम है और उसमें बिजली का बिल बहुत कम आता है, इसके कारण आम जनता को उसमें फायदा मंद है, इसीलिए मैं केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पहले से जो 100 वाट की बल्ब था उसमें और अभी 10 वाट की बल्ब में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कितना अंतर आ गया है? पहले बिल भैया 1400-1500 आता था, वो अभी एलईडी के उपयोग करने से 700-800 के लमसम आने लगा है। कितना फायदेमंद है तो ये तो भैया अपना समझो 700 आधे का फर्क है, तो ये सभी को उपयोग करना चाहिए एलईडी बल्ब का और स्टार रेटिंग चीजों का, जिससे अपने बिजली खपत कम हो। गौरतलब है कि बिजली बिल पर होने वाले अतिरिक्त खर्चों पर रोक लगाने की दिशा में केंद्र सरकार ने उजाला योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा देश भर में करीब 36.7 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब का वितरण किया गया, जिससे सरकार ने करीब 19,000 करोड़ रुपए की बचत की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में मणिपुर हिंसा मुद्दे पर जारी गतिरोध के बीच विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का किया फैसला। करगिल विजय दिवस के अवसर पर आज देश सैनिकों की शहादत को याद कर रहा है। लद्दाख के द्रास में रक्षा मंत्री ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ पर रायपुर के एनआईटी में लक्ष्य एवं उपलब्धियां विषय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। और केंद्र सरकार द्वारा संचालित उजाला योजना छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिला कोरबा के लोगों के लिए भी वरदान साबित हो रही है।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।